हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द सॉल्यूशन सीरीज फॉर आईआईटी 2021 आई विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम नंबर थर्टीन ऑफ योर एग्जाम इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस लेट अस हैव अ लुक कंसीडर द सरफेस तो एक सरफेस आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर क्यूब सज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन तो ये तो बस कंडीशन है कि एक्स और वाई पर क्या कंडीशन होगी सरफेस कौन सा है जेड इज इक्वल टू एक्स वाई आपका सरफेस है Now, ये आपके पास फोर्स फील्ड दी हुई है कि F vector जो है है. तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो जेड कॉम्पोनेट इसने पॉजिटिव है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है ठीक है ऑल राइट तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी तो सबसे पहले मेरा काम क्या है जो सरफेस आपको दिया हुआ है सरफेस मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स वाई है इसे आप फाइव कंसीडर कर लो फाइव एक्स वाई जेड जो सरफेस है वो कितना आएगा मैं जानबूझ के एक्स वाई को लेफ्ट साइड में लाऊंगा क्योंकि मुझे नॉर्मल वेक्टर का जो z कॉम्पोनेट है वो पॉजिटिव चाहिए अब आप क्या जानते हो यूनिट नॉर्मल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट नॉर्मल जो है वो आता है ग्रेडियंट ऑफ फाइव ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्योंकि यूनिट नॉर्मल की जरूरत है इस इंटीग्रेशन को करने के लिए सो इट मीनस डेलफाई जो है वो कितना आएगा माइनस देखो चलो पहले मैं रख लेता हूं सबसे पहले मैं डेल कैलकुलेट कर लेता हूं सिंपली सो डेल कितना आएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और फाई आपको दिया हुआ है तो so, फाई क्या है जेड माइनस एक्स वाई मैं यहां पर रख लेता हूं नाउ कितना आ जाएगा ये आई जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस वाई अगर आप uh, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस एक्स राइट माइनस एक्स है ये ठीक है नाउ जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो k है तो देखो यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका जो k केथ कॉम्पोनेंट है दैट मीनस जेड कॉम्पोनेंट वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव रहना चाहिए ऐसा उसने कहा है हमसे सो so, नाव अगर आप यूनिट वैक्टर लोगे इसका नाव इसका इंटीग्रेशन करो सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहा हूं मैं इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करो एंड देन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे इतना ही आएगा नाउ एफ वैक्टर डॉट एन कैप हम कैलकुलेट करते हैं तो जब दोनों का आप कॉडिशन प्रोडक्ट करोगे डॉट प्रोडक्ट करोगे सॉरी नाउ एफ वैक्टर डॉट एन कैप हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये आप बस इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो तो डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब ये तो हमने एफ वैक्टर डॉट एन कैप निकाल दिया अब सरफेस एलिमेंट कितना होता है सरफेस एलिमेंट डी जो होता है वो होता है वन प्लस जेड एक्स होल स्क्वायर जेड वाई होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स तो जेड का अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स नाव अब हमें वर्क करना होगा सरफेस के ऊपर तो सरफेस एक्चुअली मुझे प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है थ्री डायमेंशनल सिस्टम में क्योंकि थ्री डायमेंशनल सिस्टम में हो ये रहा है कि बेस पर उसने रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि X और y इसी से कम होंगे नाउ कैसा भी सरफेस हो ये तो एक अनबाउंडेड सरफेस है 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 ना Z XY, एक अनबाउंडेड सरफेस अगर एक्स और वाई पर रेस्ट्रिक्शन ना दी जाए तो बेस पर आपका एक सिलेंडर है तो ऐसा हो रहा है कि यहां बेस से एक सिलेंडर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है नाउ टॉप पर उसका कोई सरफेस है कैसा भी वो सरफेस हो दिखने में बट जब आप उसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लोगे तो वो एक सर्कल ही आएगा टॉप से वो दिखने में कैसा भी हो जैसे जेड इज इक्वल टू एक्सवाई का हम नहीं जानते ग्राफ के कैसे हम उसको प्लॉट करेंगे बट वो तो कैसा भी हो अगर आपको बेस पर रेस्ट्रिक्शन जब भी दी जाती है तो बेस पर जब आप उसको क्या करोगे प्रोजेक्शन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन का ही सर्कल आएगा तो जब प्रोजेक्शन आप देखोगे तो वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन दैट मीन्स आपका जो सरफेस इंटीग्रल है मैं अब पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लूंगा तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मुझे एक्स की जगह आर कॉस थीटा वाई की जगह आर साइन थीटा रखना होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा देखो एफ वेक्टर डॉट एन कैप इतना है सो वन माइनस आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर नाउ सरफेस एलिमेंट डीएस की जगह आपको ये रखना है यहां पर ये तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप था सरफेस एलिमेंट की जगह ये रखोगे तो वन प्लस आर स्क्वायर आएगा क्योंकि हमें पूरे के पूरे सर्कल पर इवैल्यूएट करना है और आर dy dx डी की जगह कितना आएगा dy dx डी की जगह आर डी आर डी थीटा आएगा तो क्योंकि हमें पूरे के पूरे सर्कल पर इंटीग्रेट करना है तो इस तरीके से हम सोचेंगे कि हमारा आर जो है वो स्टार्ट तो यहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा ये जो सर्कल है इस पर ना आपको रोटेट करना है पूरे के पूरे 360 डिग्री दैट मीन्स थीटा जो है आपका ज़ीरो से टू पाई है और आपके पास क्या है आर जो है आपका वो आ, जीरो से वन है क्योंकि ये वन रेडियस का सर्कल है है बस आपको इसे इंटीग्रेट करना है। जब आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा यहां से आंसर आएगा वन बाई फोर एंड देन टू पाई इंटीग्रेट करोगे तो पाई बाई टू आपके पास निकल आएगा प्रॉब्लम बात समझ आ गई तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें कोई भी हमें हमें क्या है प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें थ्री डी थ्री डायमेंशनल सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स एंड वाई एंड द दैट वी हैव इज इज इक्वल टू अनबाउंडेड सो वट एवर द सर्फेस विल बी द प्रोजेक्शन विल ऑलवेज बी अ सर्कल ऑन एक्स वाई प्लेन बिकॉज वी आर रेस्ट्रिक्टिंग एक्स एंड वाई बात समझ आ गई तो इस तरीके से हमने काम कर लिया तो फाइनली पाई बाई टू आपका आंसर आ गया गॉट इट सो थैंक यू